सामो सब लोग, ये जो मैं अभी आपको रोल्स रॉयस दिखा रहा हूँ बहुत ही ख़ास है, क्योंकि ये दुनिया में एक ही है। क्या है ये? इसका नाम है रोल्स रॉयस ड्रॉपेड हाइपेरियन। अच्छा, एक कंपनी है इटली की, इसका नाम है पिनिनफरिना, जो कि गाड़ियाँ डिज़ाइन करती हैं। तो उन्होंने क्या किया है, रोल्स रॉयस जो है एक ड्रॉपहेड, फैंटम ड्रॉपहेड लेके उसके बॉडी पैनल्स फुल चेंज करके फुल उसको अपना डिज़ाइन दे दिया है। तो ये है रोल्स रॉयस ड्रॉप हेड, और इसमें कोई इंजन में कोई फ़र्क नहीं है, इंटीरियर में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, सिर्फ बाहर के जो बॉडी पैनल्स हैं वो चेंज कर दिए हैं। बस मैं आपको ये दिखाऊँ, यहाँ पे ये जो वुड है इसमें बहुत ही ख़ास, ये हाथ से पॉलिश की जाती है। रोल्स रॉयस की ये खासियत है, हैंडमेड गाड़ियाँ बनाते हैं, हाथ से पेंट की जाती हैं, हाथ से पॉलिश की जाती हैं, हाथ से लेदर की पूरी स्टिचिंग होती है। तो ये इसका इंटीरियर अच्छे नॉर्मल ड्रॉप हेड से बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। और अगर आपको नॉर्मल ड्रॉप हेड की भी वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे एक ब्लैक कलर की ड्रॉप हेड की मैंने वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये सीटें जो हाथ से स्टिच की जाती हैं, अच्छी खास सीटें होती हैं, अगर आप इन पर बैठेंगे तो इनमें कोई आवाज़ नहीं आएगी, कुछ साइलेंट सीट्स होती हैं। ये बहुत ही ए ग्रेड क्वालिटी का लेदर होता है। ये जो इसका वुड है ये भी कोई ख़ास है, ये तकरीबन 100 साल पुरानी लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ नई लकड़ी इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो नरम होती है, वो वक्त के साथ साथ जो है ना वो जल्दी ख़राब हो जाएगी। पीछे इसकी टेल लाइट्स हैं, तो ये नॉर्मल से बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, यहाँ पर पीछे एक लोगों पर बहुत अच्छा मुझे लगता है, ये रोज दो झंडे हैं, एक रोल्स रॉयस का, एक पिनिनफरिना का। इसकी कीमत जो है तकरीबन वो है $2.4 million की, सिर्फ इसलिए क्योंकि पिनिनफरिना ने डिज़ाइन किया, दुनिया में एक ही है, तो इसीलिए कोई ख़रीदी ना, क्योंकि काफ़ी सच बात बताऊँ तो ये बदसूरत सी गाड़ी है। करीब से अच्छा, इसके हैंडल आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये दरवाज़ा आगे से खुलता है, ये नॉर्मल ड्रॉप हेड में और रोल्स रॉयस में ऐसा ही होता है। टू डोर के बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें इंजन जो है वही नॉर्मल इंजन है, 6750 cc और तकरीबन 450 हॉर्स पावर कुछ बनाता है। तो क्योंकि ये स्पोर्ट गाड़ी नहीं है तो ये इतनी कोई भागने वाली गाड़ी नहीं है, क्रूज़ करने वाली गाड़ी है, ये रिलैक्स ड्राइविंग और लॉन्ग क्रूजिंग के लिए है। अच्छा, इसी के बराबर में एक और रोल्स रॉयस, ये जो है इसका नाम है रेथ, ये इससे थोड़ी सी छोटी है साइज़ में ड्रॉप हेड से, क्योंकि ये बेस्ड है फैंटम पे, नहीं फैंटम से छोटा मॉडल जो है गोस्ट उस पर है बेस्ड है। तो ये अच्छी लंबी सी टू डोर गाड़ी है, इसके भी देखें आप, इसमें जो इंजन है वो 6600 cc सिर्फ। इसमें भी यहाँ पे भी आगे हैंडल्स इधर ये दिए हुए हैं, इसका दरवाज़ा भी आगे की तरफ खुलता है। रोल्स रॉयस कहते हैं ये डिज़ाइन जो है ना ज़्यादा हमें पसंद है गाड़ियों के लिए, क्योंकि लोग इसी तरह का डिज़ाइन बनाते हैं टू डोर मॉडल्स में। अच्छा, अब अगर पीछे से मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो ये तो इसके मुकाबले में तो ये तो बिल्कुल सादी सी गाड़ी है, उसके मुकाबले में ये जो हाइपेरियन है ये फिर भी इसका डिज़ाइन बहुत अजीब सा है। तो मुझे कमेंट्स में बताएगा वो कैसे लगी गाड़ी, और अगर कोई और आपको गाड़ी की वीडियो देखनी है तो प्लीज़ आप कमेंट्स मेंशन कर दें, मैं फिर आप लोग की रिक्वेस्ट देख के जो ना फिर वीडियो कोशिश करूँगा बनाऊँ। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, 918 स्पाइडर है, कोनिसेक्स हैं, दो कोनिसेक्स बल्कि, और एक मिकलैन सेना है, मिकलैन P1 है, मिकलैन 720 SB है, यहाँ पे तीनों हैं, तो उनकी भी वीडियोज़ बनाई मैंने, तो ज़रूर आप देखिएगा चैनल पर।